So hello and welcome back to yet another vlog. My name is Mohammed Ali Sumrani and you are watching Ali Sumrani Vlogs. तो भाई आज वापस से मैं आपको लेकर आया सबील इमाम हुसैन की सीरीज के अंदर. तो सबसे पहले मैं आपको अमार भाई के पास लेके जाता हूँ और उनसे बताता हूँ कि आज का क्या प्रोसेस है और आज हम कौन सा शरबत बनाने वाले हैं और वो कितनी क्वांटिटी में होगा. तो ठीक है, फिर हम चलते हैं अमार भाई की तरफ. ये डायरेक्ट रॉ चॉकलेट जा रही है अभी इसके अंदर और ये गैस स्टोव के ऊपर रखी हुई है. तो इसको क्या नाम है, पहले तो अमार भाई इसका प्रोसेस बताएंगे थोड़ा सा, इसका किस तरह का प्रोसेस होता है. इसको हमें अभी मेल्ट करनी है, ठीक है. हमने थोड़ा सा पानी लिया है, ठीक है. 5 kg चॉकलेट, 5 kg चॉकलेट को हम पानी के अंदर सबसे पहले डाइल्यूट करेंगे. अच्छा, आज भी हमें शीरा बनाना पड़ेगा या ये ड्रॉ जाएगी? शीरा बनेगा. अच्छा, इसके साथ शीरा भी बनेगा, ठीक है. ये यासिर भाई यहाँ पे सबील की टेबले लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह आज का जो वो होगा ना शरबत, वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही स्पेशल होगा. और चॉकलेट मिल्क की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये वाला जो हमारा शरबत होता है ये विद इन 20 मिनट्स के अंदर जो है पूरा बढ़ जाता है. हालांकि इसकी क्वांटिटी 100 लीटर से भी ज्यादा होती है, तब भी बहुत जल्दी 10-20 मिनट के अंदर ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है. आप देख सकते हैं हसनैन भाई कल के बचे हुए बर्तन धो रहे हैं और मैंने कल आपको बताया था हम लोग सर्फ के पानी के अंदर इन बर्तनों को भिगा के रात भर के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद खंगाल के फिर ये बर्तन रेडी हो जाते हैं. तो अब ये बर्तन धोने की प्रोसेस स्टार्ट होगी. तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े चॉकलेट के जो चंक्स हमने डाले हैं इसके अंदर वो उसमें मेल्ट हो रहे हैं. और अब ये पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह. तो योना भाई आप आ गए वापस मेरे व्लॉग के अंदर, कुछ कहना चाहेंगे? आज हम बना रहे हैं चॉकलेट मिल्क शेक जिसके लिए हम लेके आए ओरिजिनल चॉकलेट. ये चॉकलेट हम पिघालेंगे पहले, उसके बाद फिर हम अपने दूध में डालेंगे. बिल्कुल रॉ चॉकलेट के चंक्स हैं जो कि पानी के अंदर डाइल्यूट किए जाएंगे. ये बिल्कुल हम इसको पिघा लेंगे अच्छी तरह, एक हीट पे करके पानी डाल के हमने इसको पिघाला है. उसके बाद हम इंशाल्लाह दूध में डालेंगे और फिर शीरा बना के जो बाकी की प्रोसेस है ये दूध इंशाल्लाह बन. तुम्हारे भाई चॉकलेट के बारे में आप क्या बता रहे थे? यार देखो, जो चॉकलेट जो है ना इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है. अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा ना इसका तो नीचे से लग जाएगी और फिर टेस्ट और फ्लेवर पूरा चेंज हो जाएगा, खराब हो जाएगा. बड़ी टफ पोजीशन में लग रहे हैं आज आप. बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है ये और एहतियात जरूरी है. ये चॉकलेट डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई है. अब क्या कह रहे हैं मार भाई आप? ये चॉकलेट जो है डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई है. अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में जो है कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी और फिर हम इसको दूध के अंदर डाल देंगे.
सिरप हमारा रेडी हो गया, अब जो है वो शीरा बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। हमारे कितना पानी लिया इसमें आपने? इसमें हमने तकरीबन जो है ना 1.5 लीटर पानी डाला, ठीक है। और इसके अंदर हम आज जो शीरा बनाएंगे उससे हम लोग 2 किलो चीनी का बनाएंगे। आज शीरे की हमें ज़्यादा नीड नहीं है क्योंकि वो चॉकलेट ऑलरेडी बहुत स्वीट होती है ना? जी बिल्कुल। यन्ना भाई के काम देखे, चूल्हा गर्म ही नहीं और ये कब से शीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसी हरकतों पे अपनी क्या कहना है यन्ना भाई? बस यार हो जाता है कभी कभार, उम्मीद नहीं थी बस, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बगैर वो आग के भी हो सकती है। हाँ बगैर आग के भी हो सकती है, हमें टाइम बहुत लगेगा। हाँ लेकिन जरूरी है, अपने पास वैसे जो है ना आज मीठा बहुत है हमारी ऑलरेडी। आज जो है ना वैसे भी चॉकलेट है तो उसका अपना फ्लेवर भी बहुत ज्यादा है। ओरिजिनल चॉकलेट है, ओरिजिनल चॉकलेट। डीलर ने बोला कि कैडबरी की ओरिजिनल है, आप बेफिक्र हो जाओ, क्वालिटी की तरफ से हम जिम्मेदार है। दिखा तो ये महसूस कर देता हूँ, टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये खुद मैं लेके आया हूँ। मैं टेस्ट करके ही लाया था। ये कैसा है? ये बहुत लजीज है और इंशाल्लाह ताला जब ये दलेगा तो और जायका आएगा इंशाल्लाह। मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? मजेदार। मार भाई शीरा कितना तैयार हो गया जरा देख के बताएंगे? बस शीरा ऑलमोस्ट रेडी है, अभी थोड़ा सा चीनी बाकी है, हम कोशिश करें वो भी पिघल जाए, उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम उसको जूस में ऐड करते हैं। बटना शुरू होगा ना उसके बाद गंद होगी यार भाई। गंद तो असल गंद तो है। एक्सपर्ट ओपिनियंस जो आते हैं ना, एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आते, वो वही वाला काम करते हैं जो मैंने कल बताया था। क्या क्या? वो जब डिस्ट्रैक्शन करना होता है ना क्रिकेट ग्राउंड में भी, तो क्या होता है पता, छोड़ दे इतना बीप बीप रहने दे इसको। ना भाई आपको ऐसा लगता है आप बहुत काम करते हैं, लेकिन आपको असल में पता है आप काम खराब करते हैं। एक बात बोलूं? जी। ये बिहाइंड द कैमरा जो बंदा खराब है ना ये सिर्फ तंग करता है, सही है। बिहाइंड द कैमरा वाला बंदा है ना वो हमको तंग करता है, सारे काम हम कर लेते हैं। डोनेशन की अपील करते हैं जरा। हमने डोनेशन की अपील कल भी की थी, कल की वाली वीडियो में भी की थी, हम आज वाली वीडियो में भी अपील करेंगे कि जिस जिसको डोनेशन देना है सबील के लिए वो अली सुमरानी के इंस्टाग्राम पेज पे भी मैसेज कर सकता है, अली सुमरानी को यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकता है और यहाँ पे भी आके दे सकता है। हम मेल नुमाइश पे ही होते हैं तो कांटेक्ट कर सकता है और मैसेज कमेंट कर सकता है, हम वहाँ पे उनसे कांटेक्ट कर लेंगे, इजी रहेगा। वो कमेंट कर सकता है और ओवरसीज पाकिस्तानी अगर डोनेशन देना चाहे तो वो ना दे, कम से कम 100 ना दे। हमारी इतनी बड़ी सबील नहीं है ना, 100 डॉलर दे दे। क्या 100 डॉलर की डिमांड कर रहे हो? 50 डॉलर दे दे। डॉलर तक 11 रुपए गिर गया पाकिस्तान में, अब तो बहुत सस्ता हो गया, अब तो अफोर्ड हो ही सकता है। कम से कम 50 डॉलर दे दे हम डोनेशन। अब जो है चॉकलेट डालने की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं हमजा भाई, और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, गर्म बहुत है क्योंकि ये चॉकलेट लाने का आइडिया बिल्कुल मेरा ही था,
और किसी का नहीं था माशाल्लाह, बेहतरीन चॉकलेट हमने हमजा को दे दिया। हसन भाई आपकी जो एफर्ट हमने सारी खा गया। नहीं हमने ली नहीं एफर्ट, हमने हमजा को दे दी। अभी की भी एफर्ट और अगले आने वाले दिनों की भी एफर्ट हमजा के नाम से, पिछली भी एफर्ट पिछली भी हमजा के नाम से। हसन भाई ये जो क्रेडिट खाने वाली हरकत है, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? एक मिनट, हमने सभी भी हमजा के नाम से और लाया हूँ ना, छोटे हैं लेकिन कल बड़ा। लिस्ट खत्म होने वाली है, अभी तक हमारा बर्फ नहीं आया है, तो उसके लिए अम्मार भाई फोन पे बर्फ वाले से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और बर्फ अरेंज करवा रहे हैं। जैसी बर्फ आएगी तो फिर बर्फ डालने का प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा। अंदर भाई क्या मसला आया, थोड़ा सा बताएंगे? बस अभी तक बर्फ नहीं पहुंची हमारे पास, हम उसी का वेट कर रहे हैं। आखिरी 10 मिनट रह गए, 10 से 15 मिनट के बाद जब मजलिस खत्म हो जाएगी तो फिर गरम शरबत पिलाना पड़ेगा, और इतनी गर्मी में गरम शरबत मजा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, फाइनली हमारा बर्फ आ गया है। अल्लाह के करम से सबील निमट चुकी है, बस आखिरी आखिरी का सेशन बचा हुआ है। आज हमारा चॉकलेट मिल्क शेक जो ज़्यादा बना था वो भी खत्म हो गया माशाल्लाह से। अब कल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक पराठा बनाएंगे 50 लीटर वाला, और तो 150 लीटर हो जाएगा तो इंशाल्लाह बढ़ जाएगा, बाकी छोटे पतीले और बाल्टी अलग होगा। ओके, तो कल का क्या इरादा है अल्लाह के करम से? अभी तक तो इरादा क्विज़ का है, क्विज़ का कल किस किस का प्रोग्राम, दूध वाला क्विज़ होगा वो? हाँ हाँ दूध वाला। बर्तन धोने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये अब माशाल्लाह से सभी समेट रहे, छोटे छोटे बच्चे भी अपने इनपुट डाल रहे हैं इसमें। जो शख्स आपको दिखेगा यहाँ काम करता हुआ दिखेगा, फारिक कोई नहीं दिखेगा। अब ये बर्तन धोने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अब उदयर भाई जो हैं वो बर्तन धोना शुरू कर रहे हैं, और ये पहले तो इसमें पानी भर के सारे बर्तन संभाल लेंगे हम, फिर सरफ डाल के इसकी वॉशिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अलग अलग करके रखने के लिए जरूरी, क्योंकि अगर ग्लास एक के अंदर एक रहेगा तो उसमें चिकनाहट रह जाएगी, इसलिए हम लोग सारे ग्लास अलग अलग करके रख देते हैं ताकि इजीली इसमें सरफ का पानी बैठ जाए और चिकनाहट कर जाए।